हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ग्यास क्लासेस फॉर मैथमेटिक्स। जो स्टूडेंट नए हैं अभी, वो हमारे इस चैनल ग्यास क्लासेस फॉर मैथमेटिक्स को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि ग्यास क्लासेस फॉर मैथमेटिक्स के यूट्यूब चैनल पे हम 10th, 11th, 12th की मैथमेटिक्स की जितनी भी क्लासेस हैं, एनसीईआरटी बुक प्लस एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, ये सारे डालते हैं। इसके बाद आपको टारगेट एनडीए, जेईई मेंस एडवांस, जेईई मेंस के ट्रिक्स, एनडीए मैथमेटिक्स के ट्रिक्स, ये सारे क्वेश्चंस की आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। आज हम लोग बात करेंगे सिलेबस ऑफ बीबीए एंट्रेंस एग्जाम। जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ के लिखा हुआ है, सिलेबस ऑफ बीबीए एंट्रेंस एग्जाम्स टिपिकली कंप्राइज इंग्लिश लैंग्वेज, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड्स, लॉजिकल रीजनिंग एंड जनरल अवेयरनेस। यानी बीबीए एंट्रेंस एग्जाम्स के अंदर आपके चार तरह के क्वेश्चंस के जो टॉपिक्स होते हैं, तो होता है आपका इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश के क्वेश्चंस आते हैं, क्वांटिटी एप्टीट्यूड्स के क्वेश्चन आएंगे, लॉजिकल रीजनिंग एंड जनरल अवेयरनेस क्या है, राइट। तो चलो देखते हैं इसके डिटेल्स, जो सिलेबस है इसकी बात करते हैं। तो हमें बता रहा है कि अगर राइट आफ्टर क्लास 12 यू कैन चूज फ्रॉम द प्रोग्राम्स लाइक बैचलर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, यानी बीबीए, बैचलर इन बिजनेस स्टडी दैट इज बीबीएस एंड बैचलर्स इन बिजनेस इकोनॉमिक्स बीबीईटीसी। बीबीए इज द मोस्ट पॉपुलर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम अमंग ऑल दीज बीबीए। BBA as a degree gives you a head start to pursue master in business administration. यानी अगर आप MBA करना चाहते हैं तो आपको BBA इसका main option है। अगर आप BBA करके MBA करते हो तो आपकी और ज्यादा weightage value बढ़ जाती है। तो कह रहा है कि various top universities and institute offer the program. Admission to this program is on the basis of class 12th score and an entrance test. यानी admission जो आपका होगा वो class 12th ये जो आपकी स्कोर्स होंगी उसका बेस होगा एंड एंट्रेंस टेस्ट होगा, वो दोनों के मिलाकर आपके एग्जाम्स का रैंक बनाया जाएगा। सम ऑफ द पॉपुलर बीबीए एंट्रेंस एग्जाम्स आर लिस्टेड। जो बीबीए एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं, जिस एग्जाम्स को क्वालिफाई करने के बाद आपका एग्जाम्स बीबीए में होता है, वो ये नामों से जाना जाता है। जैसे आपका है एससीटी सेट के नाम से आता है, आईपीएमएट, आईपीमैट के नाम से, एनपीएमएट के नाम से या एनपैट के नाम से, यू गैट के नाम से, डी यू जाट के नाम से और सी यू ई टी के नाम से, ये सारे बीबीए एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं। तो कह रहा है कि अब बीबीए एंट्रेंस नॉर्मली हैज फोर सिलेबस। ये बीबीए के अंदर चाहे किसी कोई भी एग्जाम्स हो, जितने भी बीबीए के एंट्रेंस होंगे, इसमें चार सेक्शन आपके होंगे। चार सेक्शन में आप देखोगे, पहला आपका इंग्लिश लैंग्वेज या इंग्लिश प्रोफिशियंसी, न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड क्वान्टिटी एप्टीट्यूड्स, लॉजिकल रीजनिंग एंड रीजनिंग ability and general knowledge या general awards, okay? The exam pattern almost all BBA entrance for different institute more or less the same। तरह जितने भी BBA के entrance exams होंगे, लगभग सबके same ही होते हैं, थोड़े बहुत का different हो सकता है, right? तो मैं जो कराऊंगा यहाँ पे, वो हमारे जो subject है, वो हमारा जो इसमें दो section है, तो numerical ability and quantity aptitude, ये हम कराते हैं numerical ability and quantity aptitude for BBA entrance exam। एंड जो दूसरा सेक्शन है आपका लॉजिकल रीजनिंग या रीजनिंग एबिलिटी, ये दोनों चीज आपको हम कराएंगे। तो जो बच्चे ऑनलाइन पेड क्लास लेना चाहते हैं जूम ऐप पे, वो हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। इसमें पूरे डिटेल्स में आपको जो हमारा सिलेबस है बीबीए का, न्यूमेरिकल एबिलिटी, क्वांटिटेटिव, लॉजिकल रीजनिंग और रीजनिंग एबिलिटी की, वो करवाएंगे। और जो बच्चे फ्री में करना चाहते हैं, उनको कुछ नहीं करना है, वो हमारे यूट्यूब चैनल ग्यास क्लासेस फॉर मैथमेटिक्स को सिंपली सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी वीडियोस बीबीए एग्जाम्स के लिए हम डालेंगे वो आपको लगातार मिलती रहे। इसमें भी हम टॉपिक वाइज जो न्यूमेरिकल एबिलिटी, क्वांटिटी एप्टीट्यूड्स के हैं, वो टॉपिक वाइज जो है वो सारे, क्योंकि हमारा मैथ का है तो रीजनिंग के कम डालते हैं वीडियो, न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड क्वांटिटी एप्टीट्यूड्स की सारी जो सिलेबस के हिसाब से भी आपको दिखाएंगे, सिलेबस के हिसाब से सारे वीडियोज उसमें डालेंगे। तो अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो आपको जो है डायरेक्ट नोटिफिकेशन मिलेगा और आप उसका यूज कर सकते हो, ठीक है। तो ये था आपका बीबीए एंट्रेंस से रिलेटेड, ठीक है। हमें मैथ्स करवाना है, यानी कि न्यूमेरिकल एबिलिटी एप्टीट्यूड, हमने बस इसी की बात की। चलो अब आपको दिखाते हैं कि इसके लिए हमारे पास जो सिलेबस है वो सिलेबस में क्या कराएंगे, और है ना, इसी तरह आपका रीजनिंग का भी टॉपिक्स है, जो रीजनिंग करवाएंगे आपको, तो रीजनिंग के भी टॉपिक्स को आप देख सकते हो।
अब आप देखो जो हमारा जो नोट्स होगा जिससे आपको हम करवाएंगे यहाँ, ये हमारा जो टॉपिक्स है यानी कि न्यूमेरिकल एबिलिटी क्वांटिटी एप्टीट्यूड्स के अंदर ये सारे टॉपिक्स आपको करवाएंगे, जैसे नंबर सिस्टम्स है, नंबर सीरीज है, SCF, LCA में ये सारे टॉपिक आपके पूछे जाएंगे क्वांटिटी एप्टीट्यूड या न्यूमेरिकल एबिलिटी के अंदर। सिंपल एंड डेसिमल फ्रैक्शंस, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, इंडिसेस एंड शर्ट्स, सिंप्लीफिकेशंस, अप्रोक्सीमेशंस, वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड ऑन नंबर्स, एवरेज, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, ट्रू डिस्काउंट एंड बैंकर डिस्काउंट। अब इसके कम क्वेश्चन आते हैं वैसे, रेशियो एंड प्रोपोर्शंस, मिक्सचर और एलिगेशंस, पार्टनरशिप के भी अब क्वेश्चंस कम आते हैं, यूनिटरी मेथड, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एज, वर्क एंड टाइम, वर्क एंड वेजल, पाइप एंड सिस्टर्न, स्पीड, टाइम, डिस्टेंस, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन ट्रेन्स, बोर्ड्स एंड स्ट्रीम, रेसेस एंड गेम्स ऑफ स्किल, क्लॉक एंड कैलेंडर। ये ज्यादातर रीजनिंग के टॉपिक्स हैं, लेकिन मैथ में क्वांटिटी एप्टीट्यूड में से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। लीनियर इक्वेशंस एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन से थोड़े हल्के जो बेसिक चीज है वो आपको जानना है, परमुटेशन कॉम्बिनेशन की जो बेसिक जो फॉर्मूलेज है वही आपको जानना है, प्रोबेबिलिटी की भी बेसिक चीजें आपको जाननी है, एरिया एंड पैरामीटर्स में जो आपको ये पता है आपको कि 6, 7, 8, 9 तक है ये आपका, 10 तक है एरिया पैरामीटर, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया, ज्योमेट्री के क्वेश्चन आएंगे बेसिक, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री बेसिक जो 10 तक की है, हाइट एंड डिस्टेंस, डाटा टेबल, पाई चार्ट, बार चार्ट, लाइन ग्राफ, मिस्ट ग्राफ, डाटा शीट, ये सारे के जो थोड़े थोड़ी चीजें वो सारा करवाएंगे आप। तो ये देखा आपने कि ये क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी कि न्यूमेरिकल एबिलिटी के अंदर ये सारे लगभग 45 टॉपिक्स है जो आपको हम कराते हैं। अगर आप हमारे इस कोर्स को कर लेते हो तो कोर्स करने के बाद किसी भी एग्जाम्स को आप दे सकते हैं, SSC के अंदर भी यही टॉपिक्स होते हैं, बस क्वेश्चन का स्टाइल डिफरेंट होता है। तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पे अलग से देखोगे प्लेलिस्ट देखोगे फॉर SSC मैथ, तो SSC मैथ में SSC से जो रिलेटेड टॉपिक्स हैं उनके सारे वीडियोज आपको मिलेंगे, आप उसमें फ्री ऑफ कॉस्ट उसको देख सकते हो, पढ़ सकते हो। इसी तरह BBA का प्लेलिस्ट देखोगे, उसमें BBA के हिसाब से जो भी क्वेश्चंस हैं, जो भी आपके क्वेश्चन का पैटर्न होगा उसके हिसाब से उस पर वीडियो डालेंगे, आप BBA के इंटरेस्ट को भी देख सकते हो। इसी तरह से जो बच्चे TGT, PGT का एग्जाम दे रहे हैं उससे जो रिलेटेड क्वेश्चंस हैं या इस टॉपिक यही होते हैं सारे, और उसके जो टॉपिक्स हैं वो भी उस सेक्शन में हम डालते हैं। तो जो बच्चे जिस चीज का एग्जाम दे रहे हैं उससे रिलेटेड चीजों को आप प्लेलिस्ट में जाके सर्च कीजिए और वहां से आप जो है उसका हेल्प ले सकते हैं, यह है फ्री ऑफ कॉस्ट। लेकिन जो बच्चे पेड क्लास लेना चाहते हैं, जूम ऐप पे हमारी पेड क्लास होती है ऑनलाइन, तो ये 1-1 क्लास भी अगर आप ग्रुप में हो तो आप ग्रुप में भी आप ले सकते हो, इसके लिए हमें व्हाट्सएप करें और हमें कॉल भी कर सकते हैं ताकि आपको पूरी डिटेल्स उसका हम दें। अगर फ्री कॉस्ट करना चाहते हैं तो किसी चीज की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हमारे यूट्यूब चैनल ग्यास क्लासेस फॉर मैथमेटिक्स को सब्सक्राइब करो, और सब्सक्राइब करने के बाद आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, जो जो वीडियो हम डालेंगे आपसे रिलेटेड आप उसको यूटिलाइज कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। उसमें अगर कोई चीज आपको समझ में नहीं आती है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर लिख सकते हो, हमें कॉल भी कर सकते हो। थैंक यू सो मच।